नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं स्वाति, और आइए रुख करते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूपी के बदायूं जिले में लोक जनशक्ति पार्टी के जिला कार्यालय बिसौरी पर कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष आदित्य ठाकुर उर्फ गुड्डू भैया के नेतृत्व में पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए कार्यकर्ताओं से पार्टी के विचारों आम जनता तक पहुँचाने का आह्वान किया गया। विक्रांत सिंह चौहान, विकास ठाकुर, दुष्यंत सिंह, आशुतोष शर्मा, राजू पाठक, अनमोल ठाकुर, मोहित सिंह, प्रतीक वारसड़े, नीरज सक्सेना, मोहित बघेल, संजीव कुमार मौर्य, अर्जुन सिंह व अन्य लोग मौजूद रहे। देखिए गायत्री शर्के से बलभद्र सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हमें बताएंगे के बिजौली तहसील में, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी की साप्ताहिक बैठक शुरू हुई है, और इसमें किन विचारों पर चर्चा होगी ये हम आपको जिलाध्यक्ष हमारे जो है उनसे वार्ता करके आपको बताएंगे कि अच्छा, मैं आदित्य ठाकुर, जिलाध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी, उनको बताइए। आज हमारे समस्त कार्यकर्ता पार्टी आवास कार्यालय बिसौली पे उपस्थित हैं। पार्टी का विषय जो रखा गया था वो ये था कि हम जनाधार कैसे चलाएं। तो मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि आप जो लोग जो भी आपके संबंधित हैं उन्हें पार्टी के बारे में बताइए आप कि हमारी जो पार्टी है वो माननीय रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री जो कि इसके संस्थापक हैं वो इस पार्टी के मेन हैं, और हमारी पार्टी जो है इस टाइम केंद्र में गठबंधन में है और उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी उच्च स्तर पर आ चुकी है। 76 जो है 76 जिलों में हमारी पार्टियों ने 76 जिलाध्यक्ष चुना रखे हैं। पार्टी अपने वर्चस्व है। मैं यही चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहूँगा कि मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे भाई लोग, मेरे बंधु लोग पार्टी के मजबूती पर जोर दें और पार्टी को मजबूत करें, और इसमें कोई जाति विशेषता, कोई धर्म की कोई बात नहीं है। सभी वर्ग के लोग हम सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। रामविलास पासवान जिंदाबाद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जिंदाबाद। माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। ये जो आपकी पार्टी है तो इसका उद्देश्य क्या है और ये किन विचारों पर कार्य कर रही है? हमारे माननीय जो संस्थापक जी हैं रामविलास पासवान जी, उन्होंने हम लोगों को एक दिशा निर्देश दे रखे हैं कि हम किसी भी जाति वर्ग विशेष का, कोई भी धर्म जाति विशेष की बात नहीं करेंगे। इसमें हम सबका साथ, सबका विकास लेके चलेंगे। पार्टी किसी भी इन चीज़ों या इन मतभेदों को नहीं मानेगी। सभी वर्ग को एक उच्च स्तर पर रखकर सबका साथ लेगी, और पार्टी जो है अब उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। 76 जिलों में 76 जिलाध्यक्ष बन चुके हैं जो कि पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और वही उद्देश्य हम माननीय रामविलास पासवान जी के दिशा निर्देश के अनुसार। अच्छा, अभी जो अगले आगामी विधानसभा चुनाव आएंगे तो उसमें आपका क्या टारगेट रहेगा आपकी पार्टी? उसमें टारगेट रहेगा, हो सकता है कि हमारी पार्टी अपने जिलाध्यक्षों को या फिर अपनी पार्टी के जो मेन क्या नाम कार्यकर्ता लोग हैं उनको सही हो सकता है टिकट दे। ये तो अभी संभावना है, अभी संभावना है, पार्टी उतार सकती है। पूर्व फौजी की फरियाद नहीं सुन रहे सरकारी महकमे। जी हाँ, हम आपको आज एक ऐसी घटना से रूबरू करवाते हैं जो शासन और प्रशासन के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। यह घटना यूपी के सुल्तानपुर जिले के कुरेभार थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुरावनपुर ग्राम सभा की है, जहां ग्रामीण इस बात से परेशान है कि पड़ोस में ग्राम सभा मुजेस है, जहां गाटा संख्या 116 की भूमि को पट्टे के लिए आवंटित कराया गया। जिस गाटा संख्या 116 में पट्टा आवंटित किया गया है वह गाटा संख्या नाली भूमि अभिलेख के नाम से दर्ज है। वही धोखाधड़ी करते हुए पट्टेदारों के द्वारा ग्राम सभा चुरावनपुर में गाटा संख्या 116 के तालाब को कब्जा किया जा रहा है, तो इस बात को लेकर ग्राम सभा के लोग शासन प्रशासन से तालाब में मछली पालन के पट्टे का विरोध कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती देख ग्रामीण अपनी समस्या को मीडिया के माध्यम से शासन और प्रशासन तक पहुंचाने के लिए मीडिया के पास पहुंचे और मीडिया से गुहार लगाई कि हिंदू बाहुल्य ग्राम सभा के होने के नाते तालाब के किनारे चारों तरफ से हिंदू परिवारों के घर और मंदिर बने हुए हैं, जिससे इस तालाब में मत्स्य पालन होने के कारण कभी भी विवाद हो सकता है। इस विवाद को देखते हुए उचित जाँच कराकर इस पट्टे को खारिज किया जाए।
हम इस गाटा संख्या की 116 की बात कर रहे हैं, वह चुरावन पूर्व व मुजेस दोनों जगह पर है। नंबर तो एक ही है परंतु दोनों राजस्व सभा ग्राम सभा अलग है। अब यह पट्टा कैसे हुआ, यह एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह है। देखिए कुरेभार से महेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट। आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगेंद्र कुमार मिश्रा है जी। क्या तालाब का क्या प्रकरण है आपके यहाँ? श्रीमान, मेरे गांव में एक तालाब है जो कि ग्राम के घनी बस्ती के अंदर स्थित है। तालाब के किनारे मंदिर स्थित है, वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है जी। तो इस तालाब का जो है मत्स्य पालन के लिए 2015 में नीलामी हो रही थी, परंतु ग्रामवासियों के विरोध करने पर उस समय नीलामी को स्थगित कर दिया गया था। परंतु कुछ समय पश्चात जो है फिर उसको गलत तरीके के जो पैसा खर्च करके दोबारा फिर के पट्टा करा लिया गया, और तालाब का पट्टा जो है ग्राम मुजेफ के नाम गाटा संख्या 116 है, लेकिन पट्टा धारक जो हमारे गांव के तालाब पे अवैध रूप से कब्जा करना चाहता है। जब ग्रामवासियों को ज्ञात हुआ जो है, उसके बाद एडीएम साहब को 18 जून को हमने अप्लीकेशन दिया, उन्होंने तहसीलदार साहब को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आज तक हम तहसीलदार का एडीएम साहब पास चक्कर काट रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पट्टा लेने वाले कौन लोग हैं? पट्टा लेने वाले ग्राम मुजेफ के अतीक बेग हैं, विशेष समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हमने थाना पे भी सूचित किया, एडीएम साहब को सूचित किया, हर जगह लेटर भेजा। अभी तक आपने कहां कहां शिकायत की है? मैंने एडीएम साहब को शिकायत किया, थाना प्रभारी को शिकायत किया, तहसीलदार को शिकायत किया, उसके बाद डीएम साहब के पास हमने अप्लीकेशन दिया। और उसके क्या रिस्पांस मिला अभी तक शासन प्रशासन से? हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, बोल रहे हैं कार्रवाई हो रही है, 2 महीना हो गया लेकिन बोलते हैं कार्रवाई हो रही है। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं जो है कि इस पट्टे को निरस्त किया जाए, या जहां पर पट्टा हुआ पट्टाधारक वहां पर जाके अपना कब्जा ले। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में ग्राम विजय रामपुरा निवासी अंग्रेज सिंह सन 2000 में भारतीय सेना में शामिल हुए थे। अंग्रेज सिंह की तैनाती जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हुई थी, जहां 13 सितंबर 2003 में अचानक आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें अंग्रेज सिंह ने अपने देश की रक्षा करते हुए अपनी जान कुर्बानी दे दी। तो अंग्रेज सिंह की शहादत पर बाद बाजपुर में मातम का माहौल देखने को मिला था, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी शहीद के परिवार से मिलने आए थे और शहीद के परिवार को कई सुविधाएं देने की घोषणाएं कर गए थे, जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस की अपनी अपनी सरकारें आती रहीं और उनके मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने वादे शहीद के परिवारों से किए, जिसमें शहीद के परिवार को 10 एकड़ जमीन, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी शहीद अंग्रेज सिंह के नाम पर, सड़क और शहीद अंग्रेज सिंह की मूर्ति के साथ स्मारक बनाने की घोषणा की गई थी। लेकिन आज भी यह घोषणाएं चुनावी वादों की तरह ही साबित हुई है, जहां शहीद अंग्रेज सिंह की शहादत को 18 साल बीत जाने के बाद भी शहीद के परिवार को सरकारी घोषणाओं में से एक घोषणा का भी लाभ नहीं पाया। लेकिन हर साल शहीद स्मारक पर नेता और मंत्री आते हैं और शहीद को नमन कर श्रद्धांजलि देकर चले जाते हैं, वहीं शहीद के भाई और उनका परिवार आंसू बहाता ही नजर आता है, जिन्हें सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और उनकी सुनने वाला भी मानो जैसे कोई नहीं है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। भाई शहीद जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं 18वीं, वो 2003 में नया गाँव कुपवाड़ा श्रीनगर में शहीद हुए थे। तो ऐसे कि उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी एनडी तिवाड़ी ही थे, जिन्होंने कि हमें इनकी शहादत पे 10 एकड़ ज़मीन आवंटित करने और सदस्य के एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और इनकी प्रतिमा और अपना इनके 8 किलोमीटर मार्ग इनके नाम पे बनाने की घोषणा की थी, जो कि आज 18 साल हो चुके हैं। सरकारें आती जाती रही हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, किसी सरकार ने हमारी मतलब कोई मदद नहीं की है। हम मतलब बहुत धक्के खाए हैं, हमारी माता जी ने अनशन पे भी बैठी थी, वो तब भी घोषणा हुई थी कि अपनी 10 एकड़ ज़मीन मतलब आवंटित की जाएगी, वो आज तक वो घोषणाएं ऐसी हैं, मतलब कोई हमें कोई, तो अभी तक तो कोई ऐसा मतलब वादा पूरा नहीं हुआ है जो हम आपको बता सके कि हाँ ये वादा हमारा पूरा हुआ है। किस 2003 की बात है, मतलब हमला हुआ था इनके ऊपर और ये 2.5 घंटे मतलब अपना टेररिस्टों से लड़ते रहे, उसके बाद अपनी शहादत दी इन्होंने। ठीक, हरीश रावत जी ने 10 एकड़ का और नौकरी का करा है, तो आज तक वो नहीं, वो कागज यहाँ से दुकान गए वो नहीं मिले हमें कुछ भी अभी तक। अब फिर आए ऊपर से समाधान में से आया और अर्डर होके, तो अभी तक नहीं, मैं एडीएम साहब से मिली थी, एडीएम साहब कह रहे अब कर देंगे, क्या था उसमें मुझे 3 एकड़ 18 बीघे मिली थी, वो कब जानी अभी तक मिला, उसमें मेरे मुकदमे कर रखे हैं।
कितने 2003 में हुए थे, आज 18वां साल लग गया 13 सितंबर को। आज ना बेटे की नौकरी मिली है, ना जमीन मिली है, 10 एकड़ का ऑर्डर करा था और रेस्क्यू एजेंसी, ना कोई नौकरी किसी। कहीं नटवर लालो पर मेहरबान तो नहीं जिम्मेदार, सवाल लगना लाजमी। जहाँ संडीला हरदोई की संडीला तहसील के टिकारी गांव की अस्थाई व हरियाणा के करनाल जिले की स्थायी निवासी बुजुर्ग बेवा कुलवंत कौर पत्नी स्वर्गीय रघुवीर सिंह की दर्द एवं संघर्ष से भरी दास्ता से जिम्मेदार अधिकारियों की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है। पीड़िता के अनुसार उसके पति रघुवीर के नाम संडीला तहसील के टिकारी गाँव में कई दशक पूर्व 6 एकड़ भूमि का पट्टा आवंटित हुआ था। रघुवीर सिंह सन 1990 में रोजगार के सिलसिले में विदेश चले गए, जहां 1996 में उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। पति की मौत के बाद उनकी गमजदा पत्नी अपने पैतृक निवास हरियाणा चली गई। तो उधर रघुवीर सिंह की मौत और पत्नी के हरियाणा चले जाने के बाद टिकारी गांव के नटवर लाल ने उसकी 6 एकड़ भूमि का रघुवीर सिंह बनाकर बैनामा कर दिया। इस हैरत अंगेज कारनामे के मास्टरमाइंड नटवर लाल के खिलाफ कार्रवाई व अपने पति की मौत का सबूत लिए विधवा हकीमों के चौखट पर न्याय की 13 वर्षों से भीख मांगती घूम रही है। देखिए मोहीपुरी शिवान से शिवांशु सिंह की पूरी रिपोर्ट। क्या है आपकी समस्या? सर यह है कि मेरी जमीन थी टिकारी में, 2007 में इन्होंने मेरे मिरासमेंट के बाहर गए थे जर्मनी में। उनकी डेथ हो गई थी 4/96 को जर्मनी में, वहाँ से मैं डेथ सर्टिफिकेट भी आया हुआ है। इन्होंने 9/1/2007 को कोई और आदमी खड़ा किसने विष्णुंद्र है और एक है इनका लेखपाल था, एक पूर्व प्रधान। ये कहाँ के रहने वाले सभी लोग? सब टिकारी के हैं। अच्छा, तो इन्होंने नाम करवा ली और 2007 में जैसे मुझे पता चला तो मैंने इसको केस किया इनके ऊपर। तो मैं जब केस था खारिज हो गया, मतलब इनके नाम से खारिज हो गया। तो ये फिर उस यार्ड को लेके फिर ये हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से भी मैंने खारिज करवा लिया। तो फिर ये गए कमिश्नरी में, कमिश्नरी में भी मैंने खारिज करवा लिया। तो इसके चलते चलते इन्होंने ये केस चलते चलते इन्होंने 2015 में फिर आगे रजिस्ट्री करवा ली, जिसके नाम रजिस्ट्री करे जगतार सिंह। एक तीन भाई हैं इनके, करतार सिंह, जगतार सिंह और अशपाल सिंह, इनके नाम बैनामा करा दिया। तो जैसे मेरे को पता चला, इन्होंने फिर क्या किया कि इसको जगतार को लेके इन्होंने वहाँ फिर कमिश्नरी में कर दिया। तो कमिश्नरी से भी मैंने खारिज करवा लिया। तो अब ये समस्या है कि ना तो इसको तहसीलदार चढ़ाता है और ना ही इस पर कोई पुलिस कार्रवाई करती है। मैंने FIR दर्ज करवाई थी, इसने कुछ ना कुछ सुना करके FIR लगवा ली। फिर मैंने दोबारा इसको रीओपन कराया इसको। तो अब इसमें बेचना जो 1 साल हो गया चल रही है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो रहा, ना इनको कोई पकड़ रहा है, खुले हम घूम रहा है वो। उसने जहाँ पे विष्णु नारायण उनने अपने घरवाली की यहाँ पे लगाई थी बेल, तो जैसे ही जिस दिन हमारे हम 2-3 तरीके लगी, जैसे ही अब 4 तरीक को लगी थी 4/8 को, तो इसने वहाँ से बेल उठा ली कि हमने अभी बेल करवानी नहीं। तो ये शरे हम गिद्दड़ घूम रहा है, तो इसको क्यों नहीं पकड़ के अंदर करते? जो मेरा तो कहना यही है, इनको जल्दी से जल्दी पकड़ के अंदर किया जब मुझे ना। आप बहन जी क्या करती हैं? सर्विस करती हैं, हाउस वाइफ हैं? हाँ जी, नहीं मैं सर्विस करती थी। नाम क्या है बहन जी आपका? कुलवंत कौर। तो अभी इस संबंध में आपने गिनी अधिकारियों को ये शिकायती प्रार्थना पत्र भी दिए हैं जल्दी में? हाँ जी। कब दिए हैं? दिए एक तो आज ही देखे हैं सर, मैं SP को तो पता है नहीं सर, मैं गिनवा ही नहीं सकती कितने के एप्लीकेशन दे चुकी हूँ। जब मैं जाते हूँ मुझे जाते हुए शर्म आती है, पर वो उनको कुछ नहीं हो, किसी ने कुछ नहीं किया मेरे को। हर एक अधिकारी के पास, DC के पास मैं गई हूँ, DC के पास भी 2-3 बार जा चुकी हूँ, ना DC ने कुछ किया है, ना SP ने किया है, ना किसी एडिशनल ने किया है किसी ने। आज फिर मैं दोबारा एप्लीकेशन दे के आई हूँ। अब देखो सर इस पर कुछ कार्रवाई होती है। आज क्या कहा कप्तान साहब? आज उन्होंने मेरे को यही कहा कि आप वहाँ जाके मिल लो, आपका तो काम हो रहा है, चल रहा है काम आपका, वहाँ जाके बात कर लो आप। ये बात कही। कितने दिन से भटक रही हैं आप? सर मैं 2007 से। अभी तक आपको नया नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, 2013 से मैं भटक रही हूँ। आज मेरे हस्बैंड मेरे हैं नहीं, बच्चे मैं घर पे छोड़ के आती हूँ, तो मेरे भी तो बच्चे हैं सर, मैं इतना भटक रही हूँ 2013 साल हो गए सर। आप हमारे चैनल से क्या उम्मीद कर रही हैं? मैं तो कहती मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए और इनको अंदर कराया जाए। ठीक है, आप परेशान ना हो, आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुँचाएंगे हम। यूपी के पीलीभीत जिले के थाना पूरनपुर के घुंगचिहाई गांव के पेट्रोल पंप के ठीक सामने पूरनपुर बंडा हाईवे पर हुआ भीषण एक्सीडेंट, और यह एक्सीडेंट दो बाइकों के बीच हुआ है।
पूरनपुर की तरफ से आ रही बाइक सवार ने अपनी बाइक को पेट्रोल डलाने के लिए मोड़ा, सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक पर सवार 6 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनमें से 4 लोग पूरनपुर से आईसीयू में भर्ती हैं, बाकी 2 लोग पीलीभीत जिला अस्पताल में रेफर कर दिए गए हैं, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। देखिए पूरनपुर से विनोद कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट। हाँ, कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ यहाँ? यहाँ किधर से आ रहे थे? अच्छा, क्या नाम है आपका? अच्छा, दूसरे किन से लड़े होते? उसका नाम पता नहीं। चलो ठीक है, अभी पूछ रहा हूँ उनसे भी। वंदना करिए उनको। अरे क्या नाम है आपका? कहाँ रहती हो? किधर से आ रही थी? लालपुर से आए थे, लालपुर जा रहे थे। आपका नाम क्या है भैया? आपका नाम क्या है? अच्छा, यो बच्चा। चलो ठीक है, अभी देख रहा हूँ मैं। वो बच्चे के बच्चा बच्चे क्या नाम है? अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे घुंघचाए हुए दर दर एक्सीडेंट हुआ है। मैं फास्ट न्यूज इंडिया के साथ विनोद कुमार वर्मा। तो इस अभी के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।